देवघर में भव्य तरीके से निकाली जाएगी शिव बारात 2024 में, और क्या है यहाँ की खास अपडेट, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बॉलीवुड के कलाकार भी होंगे शामिल, आखिर क्या है सच्चाई, चलिए पूरा आपको इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार जो है बाबा धाम का अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और 2023 से बेहतर 2024 में देवघर की शिव बारात निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। मंगलवार को शिवरात्रि महोत्सव समिति के वरीय सेवायत व गोड्डा सांसद डॉक्टर निष्कांत दुबे के निर्देश पर महेश मारा स्थित सुनील खबाड़े के आवास पर शिवरात्रि महोत्सव समिति की बैठक हुई है। बैठक में शिव बारात की तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई है और इस बैठक में विशेष बातों पर चर्चा की गई, जैसे शिव बारात का जो रूट लाइन होगा वो कुछ इस बार नया देखने को मिलेगा, साथ ही साथ रूट लाइन में जो सजावट होगा वो बहुत ही भव्य होगा और समय सीमा के अंदर भव्यता के साथ बारात निकालने को लेकर के बिंदुवार चर्चा की गई। साथ ही साथ रूट लाइन में जो विधि व्यवस्था है उसका बहुत ही ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद जो है बारात निकाली जाएगी। और इस शिवरात्रि के 3 दिन पूर्व से ही प्रतिदिन शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इस बार जो बॉलीवुड का जो कलाकार आने वाला है उनका नाम अभी रिवील नहीं हुआ है, जैसे उनका कुछ पता चलेगा आप लोग को जो है वीडियो के माध्यम से लगातार मैं अपडेट देने का प्रयास करता रहूंगा। और इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके रखिए, ठीक है। इस बार शिव बारात में दिल्ली सहित पूरे देश से क्राउड मैनेजमेंट एजेंसी के लोग आएंगे और हर साल की तरह इस साल भी KKN स्टेडियम से शिव बारात को एक साथ निकालते हुए पूरे मार्ग में व्यवस्थित तरीके से बारात को भव्यता के साथ लेकर जाएंगे। शिवरात्रि में इस वर्ष भीड़ और बढ़ने का संभावना है और इस बार देवघर के तमाम हिस्सों में कई लाइट गेट लगेंगे व फूलों से सजावट की जाएगी। जसीडी स्टेशन व रोड पर 4 गेट भी बनेंगे और ये सारा सुन करके आप लोग के मन में ख्याल आता होगा कि इतना सारा लाइट जो है कहाँ का है, तो मैं बात करूँ बंगाल के चंदन नगर से ये सारा लाइट जो है आने वाला है और देवघर में जो है एकदम दुल्हन की तरह से जो है सजा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग देखते हो कि हर एक साल शिव बारात में देवी देवता राक्षस व भूत के जो पात होते थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में होता था, लेकिन इस बार एकदम सीमित संख्या में है और जो बच्चे भाग लेते थे वो इस बार नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो बैठक में उस दिन श्री खबाड़े ने कहा कि इससे जो है बारात लंबी हो जाती है और इस वर्ष बारात में गैप नहीं होगा, संयमित व व्यवस्थित बारात निकाली जाएगी, ठीक है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को जितना भी शिव बारात को लेकर के अपडेट था वो मैं आप लोग के साथ शेयर किया और बहुत कुछ जो है इस बार अलग होने जा रहा है और बहुत सारा बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो भी आने वाले हैं। जो भी अपडेट आने वाले समय में आएगा मैं लगातार आपको जो है वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके रखिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बोलिए हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ, और चलिए धन्यवाद आप सभी को वीडियो में जो है अंत तक बने रहने के लिए।